दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की सबसे बेहतरीन गाड़ी टाटा 407 गोल्ड के बारे में, जो कि सीएनजी वेरिएंट हमारे पास में खड़ा हुआ है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इसकी कीमत, माइलेज, स्पेसिफिकेशन, डिटेल, हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को हम बना रहे हैं श्याम टाटा कमर्शियल इंदौर से। अगर आप मुझे इंदौर या इंदौर के आसपास से देख रहे हैं और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आकर के संपर्क करिएगा। तो दोस्तों अगर हम फ्रंट की बात करें, आगे की बात करें, तो आपको काफ़ी बड़ी जो है इसके अंदर विंडशील्ड मिलती है, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी काफी इनहेंस होती है। और इसको क्लीन करने के लिए आपको ऊपर चढ़ना है तो आपको हैंडल वगैरह भी दिए हुए हैं, दो वाइपर हैं जेट के साथ में। तो दोस्तों इसका फ्रंट जो है आपको वही देखने के लिए मिलता है जो कि टाटा 407 का एसएफसी केबिन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस तरह की केबिन में दोस्तों आपका यहाँ पर सेफ्टी काफ़ी इनहेंस होता है, क्योंकि ड्राइवर जो है वो काफ़ी दूर बैठता है फ्रंट से। अगर हम कनेक्ट करें तो सामने की साइड में आपको टाटा का लोगो है, टाटा की ब्रांडिंग है, काफ़ी बड़े हेलोजन लाइट वाले आपको हेडलैम्प हैं, टाटा 407 की ब्रांडिंग है, गोल्ड की ब्रांडिंग है, और यहीं पर आपको जी लिखा हुआ दिखाई देगा। जी का मतलब होता है सीएनजी। तो दोस्तों इस तरह का है इसका फ्रंट प्रोफाइल। काफ़ी बाहर की साइड में निकले हुए इसके ओआरवी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। आप इन गाड़ियों को केविन विद चेसिस भी परचेज कर सकते हैं, केविन विद कार्गो बॉडी भी ले सकते हैं, और केविन विद आपको इसके हाई साइड डेक जो बॉडी आती है उसके साथ में भी लेने का प्रावधान अवेलेबल होता है। साइड से अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर कमानी पट्टे का सस्पेंशन दिया गया है, जो कि आपको अच्छी से अच्छी लोड कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर प्रदान करता है। तो दोस्तों ये गाड़ी सीएनजी है, जो कि आप देख सकते हैं पीछे की साइड में आपको जो है बॉडी के नीचे की साइड में इसके टैंक मिलेंगे। 90-90 लीटर के दो टैंक आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आपको अच्छी खासी जो है यहाँ पर सीएनजी फिल करने का ऑप्शन इन गाड़ियों के साथ में होता है। एक बार आपने इन टैंक को फुल कर लिया तो आप एक लंबी दूरी तक की यात्रा को कवर कर पाते हैं। अगर हम टायर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 750/16 के जो है इसके अंदर रेडियल टायर दिए गए हैं, और कमानी पट्टे का सस्पेंशन है, और 5 mm थिकनेस वाला आपको जो है इसके अंदर चेसिस दिया जाता है, जो कि काफ़ी ड्यूरेबल भी होता है। तो इस तरह की है दोस्तों केबिन, जो कि आपकी सेफ्टी को भी इनहेंस करने का काम करती है। अगर मैं केबिन का अंदर का व्यू दिखाऊं आपको यहाँ पर, तो आप देखेंगे केबिन के अंदर का जो है काफ़ी स्पेसियस आपको जगह मिलती है। ड्राइवर के साथ में दो लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है, और यहाँ पर आपको हेडरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं। केबिन के अंदर आपको लाइट वगैरह है, केबिन लाइट है, सनवाइज़र है, तमाम सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे। अगर हम डोर पे देखते हैं तो यहाँ पर आपको इसके अंदर पानी की बोतल रखने के लिए जगह दोनों ही साइड में मिलेगी, पेपर होल्डर मिल जाता है, और काफ़ी अच्छा खासा वॉक थ्रू स्पेस जो है गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों हम कार्गो बॉडी की लंबाई चौड़ाई की बात करें, तो आप देखेंगे कार्गो बॉडी की लंबाई है 10 फीट के आसपास, और 6.5 फीट इसकी आपको जो है यहाँ पर चौड़ाई मिल जाती है, जिसके अंदर आप लगभग 2.5 टन का ऑफिशियल पेलोड लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी आप 4 से 5 टन तक का भी माल आसानी से लेके जाएंगे, तो गाड़ी कभी मना नहीं करेगी। ये रिफ्लेक्टर है, टाटा का बड़ा ब्रांडिंग है। पीछे की साइड में आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, जो कि 5-5 हैं, जिससे कि जब आप गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो बीप साउंड आती है और आपको पता चलता है कि पीछे कहीं कोई है तो नहीं। सेंटर में आपको इसका स्पेयर व्हील मिलेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप जो है दोनों ही सिलेंडर को सेंटर में प्लेस किया गया है, जिससे कि गाड़ी का जो बैलेंसिंग है वो प्रॉपर बना रहता है। साथ ही दोस्तों पीछे की साइड में आपको प्रोटेक्टर बम्पर भी दिया गया है, जिससे कि छोटी मोटी गाड़ी जो है गाड़ी यहाँ पर हिट ना कर सके या गाड़ी के अंदर ना जा सके। तो इस तरह की है दोस्तों इसकी कार्गो बॉडी पूरी की पूरी आप देख लीजिएगा। और ये श्याम टाटा कमर्शियल इंदौर से हम वीडियो बना रहे हैं, तो उनके मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए, गाड़ी को खरीदने के लिए। अगर हम इस साइड से देखें दोस्तों, तो गाड़ी हमें काफ़ी शानदार दिखाई देती है। जनरली दोस्तों जो डीजल गाड़ियाँ आती हैं वहाँ पर इसका फ्यूल टैंक फिट किया जाता है, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं सीएनजी गाड़ी के अंदर आपके इसके वाल वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, और इसको पूरा का पूरा सेफ किया गया है रेल वगैरह लगा करके। तो दोस्तों गाड़ी काफ़ी अच्छी है और फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है। सीएनजी गाड़ी के अगर हम माइलेज की बात करते हैं, तो 11 तक का आपको माइलेज इजीली मिल पाएगा, बाकी आप किस तरह से चलाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। केबिन के अंदर ड्राइवर को चढ़ने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। सबसे पहले आप देखते हैं कि वाइड एंट्री आपको मिलती है, ऊपर चढ़ने के लिए आपको यहाँ पर फुट स्टेप दिया गया है, जिससे कि हमारे ड्राइवर भाई आसानी से चढ़ पाते हैं। सीट आपको एडजस्टेबल मिलेगी, आगे पीछे रिक्लाइन आप एडजस्ट कर पाएंगे। फैब्रिक और विनाइल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपके जैक वगैरह हैं, यहाँ पर आपको एक स्टोरेज कैपेसिटी भी और देखने के लिए मिल जाती है। गाड़ी चलाएंगे जब आप, तो आपको लेग स्पेस अच्छा मिलता है, आप एबीसी के पैडल अच्छी तरह से ऑपरेट कर पाते हैं, काफ़ी अच्छी जगह मिलेगी। और यहाँ पर आपको इसके अंदर मिल जाता है पावर स्टीयरिंग, जो कि आपको एक फटीक लेस जो है ड्राइविंग अनुभव कराता है, यानी कि आप इसको दिन भर भी चलाएंगे तो भी आपको कोई थकावट नहीं होने वाली है। ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल वगैरह दिए गए हैं दोनों ही साइड में।
साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं अंदर की साइड में आपको फायर एक्सटिंग्विशर जैसी चीज़ें दी गई हैं जो कि आपकी इमरजेंसी में यूज आती हैं। पीछे की साइड में एक विंडो भी दिया गया है जिससे कि आप हवा और रोशनी का आनंद ले सकते हैं। तो केबिन काफ़ी स्पेसियस है जिसके अंदर आपको यहाँ पर टाटा का जो है म्यूजिक सिस्टम भी दिया जाता है जो कि आपके मनोरंजन के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर USB केबल लगाना है और आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। लो केबल ग्लव बॉक्स दिया गया है और यहाँ पर आपको हेल्प का एक बटन भी दिया गया है। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है किसी भी प्रकार की तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो नियरेस्ट जो भी टाटा का शोरूम होगा वहाँ से आपके संपर्क हो जाएंगे और आपको हेल्प मिल जाएगी। तो काफ़ी सारे फीचर्स से अपडेट किया है कंपनी ने अपने इन ट्रक्स को और 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का ये गियर शिफ्ट लीवर है जो कि आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार डिस्प्ले दिया जाता है गाड़ी के अंदर। जैसे ही आप अपने की को हल्का सा ऑन करते हैं तो दोस्तों चाबी को ऑन करने से पहले सबसे पहले आपको इसका बैटरी का जो ऑन ऑफ स्विच यहीं पर दिया गया है इसको आपको ऑन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से और आपकी जो है बैटरी यहां पर ऑन हो जाती है, साथ ही आपका डिस्प्ले भी ऑन हो जाता है। तो वेलकम करती हुई स्क्रीन के ऊपर आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिजिटली और एनालॉग रूप से शो होती हैं। इस साइड में आपका मिलेगा RPM मीटर, यहाँ पर आपका मिल जाता है किलोमीटर यानी कि स्पीडोमीटर। तो दोस्तों इस तरह की स्क्रीन है जहाँ पर आपको रीसेट करने के बटन वगैरह भी दिए गए हैं और ये पावर स्टीयरिंग है दोस्तों, तो आपको गाड़ी चलाने का अलग ही एहसास यहाँ पर होने वाला है। ये आपका हॉर्न है, काफ़ी पावरफुल हॉर्न है। अब दोस्तों हम बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको काफ़ी पावरफुल बेहतरीन इंजन दिया जाता है जो कि 3800 cc का इंजन है, 4-cylinder इंजन होगा, टाटा मोटर्स का खुद का ये इंजन है। इस इंजन से दोस्तों आपको यहाँ पर 285 Nm का बेहतरीन टॉर्क मिलेगा और अगर हम पावर की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 85 HP की पावर मिल जाती है इस इंजन के साथ में। तो दोस्तों इस तरह का ये इंजन है और इस तरह की इसकी केबिन है, काफ़ी बेहतरीन ट्रक है जिसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर मिल जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको टाटा मोटर्स की इस शानदार गाड़ी टाटा 407 CNG वेरियंट के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। अगर आप मुझे इंदौर के आसपास से देख रहे हैं और आप चाहते हैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करना या खरीदना तो इसको आप श्याम टाटा कमर्शियल पर जो कि AB रोड पर इनका शोरूम है वहाँ पर आप खरीदने के लिए आ सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों हम कीमतों की। तो ये गाड़ी दोस्तों 13,80,000 रुपये के एक्स शोरूम कीमतों के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है और ऑन रोड कीमतों की बात करते हैं तो 15,70,000 रुपये के आसपास के ऑन रोड कीमतों के अंदर आप इसको परचेज कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मानसून का समय चल रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन डिस्काउंट भी अवेलेबल होंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।